Good morning students, class 4. Today we will see English lesson 4, the foolish wolf and the clever kid. Foolish wolf यानी कि मूर्ख भेड़िया और चतुर बच्चा बकरी के बच्चे के बारे में हम लोग देखेंगे. Before you read, have you read the story of the foolish crow and the cunning fox? क्या आपने वो स्टोरी पढ़ा जिसमें foolish crow यानी कि बेवकूफ मूर्ख क्रो के बारे में और cunning fox चालाक लोमड़ी के बारे में तो जरूर पढ़े होंगे. How does the fox befool the crow? किस तरह से fox ने क्या किया crow को मूर्ख बनाया था. Read and find out how a clever kid befools a wolf. अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से एक clever kid ने एक wolf को यानी कि एक भेड़िया को क्या किया मूर्ख बनाया. लक्ष्मी द नैनी गोट गेव बर्थ टू अनुज अ क्यूट लिटिल किड. लक्ष्मी यानी कि जो नैनी गोट है फीमेल गोट को हम लोग नैनी गोट कहते हैं. गेव बर्थ टू अनुज, उसने क्या किया एक बच्चे को जन्म दिया और उसका नाम अनुज रखा गया. अनुज यूज टू एकॉम्पनी हिज मदर अलॉन्ग विद द फ्लॉक्स टू द पास्चर्स. और अनुज क्या करता था हमेशा अपने माँ के साथ ही रहता था और भी अपने झुंड के साथ जब भी वो चरने जाया करता था हर एक घास के खेत में. विद द पैसेज ऑफ टाइम अनुज स्टार्टेड ग्रोइंग हॉर्न्स. अब जैसे जैसे समय बीतता चला गया अनुज के सिर पर सिंग उगने शुरू हो गए थे. दिस मेड हिम थिंक दैट ही वॉज अ ग्रोन अप विली गोट हु कुड टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ. अब जैसे जैसे दिन बीत रहा था उसके सिंग निकल रहे थे और वो ये सोच रहा था कि वो क्या हो गया अब बड़ा हो गया है वो विली गोट बन गया वो अपना देख रहे खुद अपने आप कर सकता है. वन इवनिंग वेन द फ्लॉक वॉज रिटर्निंग होम लक्ष्मी कॉल्ड आउट टू अनुज. एक शाम की बात है जब सारे झुंड वापस अपने घर की तरफ जा रहे थे तो लक्ष्मी ने अनुज को पुकारा. अनुज पेड नो अटेंशन टू हिज मदर्स कॉल. अनुज ने अपनी माँ की आवाज़ पर ध्यान नहीं दिया. ही केप्ट ऑन ईटिंग सॉफ्ट ग्रीन ग्रासेस और वो लगातार हरे सॉफ्ट ग्रीन ग्रास को खाने में लगा हुआ था. आफ्टर सम टाइम ही लिफ्टेड हिज हेड. कुछ समय के बाद उसने अपना सर उठाया. ही saw that the whole flock had left. उसने क्या देखा कि जो उसका झुंड था उसे छोड़कर जा चुका था. अनुज was all alone in the pasture. अब जो कि अनुज है वो पाश्चर यानी कि हर एक घास के फील्ड में वो अकेला था. द सन वॉज अबाउट टू सेट. अब जो है सूरज भी डूबने को हो गया था. इट हैड स्टार्टेड गेटिंग कोल्ड एंड लॉन्ग शैडोज वर क्रीपिंग ओवर द पास्चर्स. और अब शाम हो गई थी ठंड मौसम ठंड हो गया था और लंबे लंबे जो शैडोज है वो घास के फील्ड में आने शुरू हो गए थे. द विंड वॉज मेकिंग अ फ्राइटफुल नॉइस इन द ग्रास. और जो हवाएँ थी वो घास पर एक डरावनी आवाज़ आ रही थी. अनुज ट्रैम्बल्ड विथ फियर एज थॉट ऑफ सम टेरिबल वुल्फ. और अनुज क्या है ये सोच के डर जाता है कि जरूर कोई भयानक वुल्फ होगा. ही स्टार्टेड ब्लीटिंग एंड मूव्ड हरिडली ओवर द पास्चर्स लुकिंग फॉर हिज मदर. और वो क्या करने लगा अपनी आवाज़ निकालने लगा और जल्दी जल्दी उस पास्चर्स से निकल रहा था मतलब वहाँ से जाने लगा और अपनी माँ को देख रहा था कि कहाँ पर है. ही हैड नॉट रीच्ड इवन हाफ वे व्हेन ही सॉ अ वुल्फ. और वो आधा रास्ता भी नहीं पहुँचता था कि उसने एक भेड़िए को देखा. अनुज न्यू दैट देयर वॉज लिटिल चांस ऑफ ही सर्वाइवल. अनुज जानता था कि अब उसके पास थोड़ा ही चांस है जिंदा रहने का. बट ही डिड नॉट लॉस करेज. लेकिन वो अपना जो हिम्मत है उसको नहीं हारा. ही यूज हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड. उसने अपना दिमाग लगाया. प्लीज मिस्टर वुल्फ ही सेड ट्रैम्बलिंग.
I know you will eat me up. Please sing me a tune. I want to dance before I die. उसने क्या कहा वुल्फ से डरते डरते कि मैं जानता हूँ कि आप मुझे क्या कर लोगे, खा लोगे, इसलिए आप कृपया करके एक गाना गाएं और मैं इस गाने पर क्या करूँगा, डांस करूँगा मरने से पहले. द वुल्फ लाइक द आइडिया ऑफ अ लिटिल म्यूज़िक बिफोर ईटिंग. और वुल्फ यानी भेड़िया को ये आइडिया अच्छा लगा, पसंद आया कि खाने से पहले एक म्यूज़िक हो जाए. द वुल्फ सैंग द लिटिल किड लेप्ट एंड डांस्ड हैप्पीली. और जो वुल्फ था वो गाने लगा और किड बकरी का बच्चा जो था वो कूद कूद कर डांस करने लगा खुशी से. मीनवाइल द फ्लॉक वॉज मूविंग होमवर्ड. और तब तक क्या था, जो फ्लॉक है वो घर की तरफ जा रहा था. इन द क्वाइट इवनिंग द वुल्फ सॉन्ग कुड बी हर्ड क्लियरली इवन एट अ लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस. और जो ये जो आवाज़ थी, क्योंकि शाम का समय था, शांत समय था, इसीलिए जो वुल्फ का आवाज़ था एकदम क्लियरली दूर दूर तक सुनाई दे रहा था. द अलर्ट शेपर्ड डॉग्स रिकॉग्नाइज द सॉन्ग एज बींग संग बाय अ वुल्फ. और जो था ये शेपर्ड्स के जो डॉग्स थे उन्होंने आसानी से पहचान लिया कि ये जो गाना है एक वुल्फ के द्वारा गाया जा रहा है. दे इमिडिएटली रेस्ट बैक टू द पाश्चर. और वे वापस पाश्चर्स की तरफ, हरे घास के फील्ड की तरफ वापस दौड़ पड़े. सिंग द डॉग्स द वुल्फ स्टॉप्ड सिंगिंग एंड रैन फॉर हिज लाइफ. और जैसे ही वुल्फ ने देखा कि डॉग्स उसकी तरफ आ रहे हैं, वो अपना जान बचाकर वहाँ से भागा. द डॉग चेस्ड हिम फास्ट. और कुत्तों ने उसे बहुत ही तेज़ी से उसे वहाँ से भगा दिया. ही क्रस्ट हिमसेल्फ फॉर बिकमिंग अ फूल टू प्लीज अ किड. और उसने अपने आप को कोसा कि उसने क्या किया, एक किड को खुश करने के चलते में अपने प्राण की हानि करना चाहा. बड़ी मुश्किल से उसने अपना प्राण बचा के वहाँ से भागा. तो इसमें से हमें ये शिक्षा मिलती है स्टूडेंट्स की हमें सिचुएशंस को अच्छी तरह से हैंडल करना चाहिए, चाहे हम कोई भी मुसीबत में क्यों ना रहें. सो स्टूडेंट्स, वर्ड मीनिंग है आप लर्न कर लीजिएगा और एक्सरसाइजेस है आप करने की कोशिश करेंगे. ओके.